पता है जब इंडस्ट्री में कोई नए प्रोड्यूसर या नए डायरेक्टर या नए एक्टर की फिल्म हिट होती है तो इंडस्ट्री को खुशी दुगनी होती है क्योंकि दैट हैज बिकम अ अ पार्ट ऑफ सक्सेसफुल टीम और इसलिए भी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं बिसाइड द फैक्ट दैट एक फिल्म हिट हो गई है तो आज ऐसे ही एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है जिनकी पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेशुमार बिजनेस किया और इनफैक्ट बिजनेस कर रही है फ्रेंड्स प्लीज वेलकम द डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर ऑफ अग्निपथ आपने मल्होत्रा क्या, क्या records कायम किए हैं एक तो ऋतिक रोशन को 100 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया एक अग्निपथ जो पुरानी अग्निपथ बनी थी वो फिल्म सक्सेसफुल नहीं थी इनफैक्ट बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी उसको रीमेक करके हिट बना दिया

Uh, which has has uh, done tremendous business and has, uh, left a mark in the first month of uh, itself. एहसास तो था कुछ स्पेशल केयर लिया कि क्यों थी पहले मैं ये जानूं और फिर वही मिस्टेक्स रिपीट ना करूं और यू जस्ट लेट दैट रिमेन बैक ऑफ योर माइंड या मतलब माई एक्साइटमेंट अबाउट अग्निपथ वॉज द बेसिक कोर स्टोरी एंड अरेक्टर्स and I like the the world of 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 film I a mean, a huge fan of films, I'm a huge fan fan Mukul films Mr. बचन ऑल ऑफ दैट when we वी to remake Agnipath or adapt Agnipath अग्निपथ इट वॉज नॉट यार इसको टेक्निकली हम लोग यहाँ एक मैकेनिकल डिसीजन नहीं था कि नो कैसे हम गलतियां रेक्टिफाई करें बिकॉज मुझे कुछ गलतियां ऐसी लगती आई

हुआ ये था कि तीन महीने हुए थे एंड आई हेव स्टार्टेड वर्किंग विद करण एज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर एज एसोसिएट डायरेक्टर ऑन माय नेम इज खान ओके एंड तीन महीने डाउन द लाइन एक वन लेजी इवनिंग और सो सिटिंग विद करण हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे थे एंड बातें करते करते करण ने सबसे पूछा बताओ तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है तुम्हारी कौन सी है तो डेफिनेटली अग्निपथ फीचर इन टॉप थ्री ऑफ माइंड एंड देन करन कॉट दैट लिंक कैन ही सेट डू यू थिंक इट शुड बी अडेप्टेड रीमेड आई सैट एब्सोलूटली माई नॉट वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं एंड रात गई बात गई दो दिन बाद आए एंटर कर स्क्रीन प्लेप्टन वर्ग मतलब तो मैंने ये सोचा की वाई नॉट आई गिव इट ट्राई एंड मैंने करंस से परमिशन लिया मैंने कहा वर्किंग ऑन इट

तो uh, दो मिनट मुझे रजिस्टर करने में लगे ओके लेट स्टार्ट मतलब क्या हो रहा है क्या इट वाज लाइक दैट बिकॉज इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी ऑब्वियसली फॉर एनी अदर एस्पायरिंग डायरेक्टर एंड देन

अच्छा uh, रोशन को को मेरे ख्याल से साइन करने करने के लिए लिए करने के लिए लिए या एटलीस्ट नरेट नरेट आप सीधा स्पेन स्पेन गए जी 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 <laughs> आ, दो दिन का ट्रिप था गया था ही वो and, uh, गया ही शूटिंग फॉर ज़िंदगी दोबारा उनसे स्क्रिप्ट की and कुछ तीन, तीन की कुछ घंटे नरेशन बोला अच्छा, स्टार्ट

दैट व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग मैंने रियलाइज किया कि विजय हैज टू बी अ पर्सन जिससे आज के लोग और बेसिक ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई कर पाए mm -hmm. कि अगर उनके साथ जिंदगी में कुछ हुआ है और अगर वो बदला लेना चाहिए एट एनी लेवल वो उस विजय के साथ आइडेंटिफाई करें जो इस फिल्म में काम करने वाला है mm -hmm. या इस फिल्म का जो जो मेन हीरो है आ, mm -hmm. uh, तो उसको रखा बहुत सिंपल गया था एज यू सीन द फिल्म नाउ दैट ही इज एक्सट्रीमली सिंपलिस्टिक ही इज वेरी अंडर टोन्ड ही इज ऑलमोस्ट लाइक एन अंडर स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म बहुत ही अनअज्यूमिंग तो जब ये सब दिमाग में आया जब कैरेक्टर फ्लो होता रहा जब फ्लैश होता रहा जब स्क्रिप्ट बनी तो इवेंचुअली रियलाइज की इट्स ओनली रिथिक फॉर मी मतलब आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनी बड़ी एल्स दैट पॉइंट सो दैट इज हाउट मतलब आई थिंक द सिंप्लिस ऑफ द कैरेक्टर गॉट मी हूट रिथिक रोशन अफ तक दस फार पीपल इज टू रीमेक ओल्ड हिट्स नाउ डू यू थिंक दट पीपल विल स्टार्ट कंसिडरिंग रीमेंग ओल्ड फ्लॉप्स ऑल्सो

Exactly. तो एक तो फिल्म चली नहीं थी mm -hmm. uh, यश जी का बहुत बड़ा सपना था बहुत ही था उनके लिए दर्चुनिटी रीमेक दिस फिल्म और इंपॉर्टेंस ऑफ द फिल्म फॉर करन एंड नॉट कम जस्ट एजर जस्ट प्योर पार्ट ऑफ इज लाइफ एज अ as a very big memory of his life so definitely that was a that was a huge responsibility and i'm really thankful to god uh, really thankful to the whole team that you know together we have been able to achieve that emotional goal for karan actually karan ke pitaji uh, late uh, yash johar sahab wo zinda nahi hai dekhne ke liye aapke pitaji jo bhi film industry se jude the he produced films like khel khel mein chhutka kai etc actually he was a producer and you yes. decided to turn a director तो yes. आपने production karne ki nahi सोची सोची थी mm. uh, लेकिन उस वक्त uh, शायद कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं प्रोडक्शन कर सकता फाइनेंशियली okay. सिचुएशन uh, 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 जो भी खैर द सिचुएशन नॉट दैट ऑल ब्राइट बट आई रिमेंबर माय फादर टेलिंग मी वन थिंग दैट यू नो बेटा वट यू डू इन लाइफ द टाइम्स आर चेंजिंग द बिजनेस इज चेंजिंग एंड आई थिंक दैट वॉज फेस द इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स डाइंग ऑफ यू नो द कमिंग इन द बिगर सेक्टर्स बिगस्ट कमिंग इन एंड अभी भी के कुछ बचे हैं इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो हैं uh,

लग गए मतलब कांचा का कैरेक्टर संजय दत्त प्ले करेंगे ये किसकी चॉइस थी ये एक्चुअली ब्रेनवेव था करण का uh, करण जोहर का एंड आई इमीडिएटली लैप्टॉन टू इट कि बिकॉज आई फेल्ट के डेफिनेटली मतलब कांचा अगर

अच्छा उनको साढ़े तीन महीना लग गया कन्विंस करने में कि प्लीज आप ये फिल्म कर लीजिए जबकि आपके पिताजी और ऋषि कपूर की दोस्ती इज लाइक लेजेंडरी बिल्कुल बिल्कुल एंड आई थिंक ऑफ़ द योर फादर कैरेक्टर उनका ये फियर था कि फिल्म शुड नॉट फेल

क्या हो गया फिर शाम को अच्छा कर लेता हूँ फिर सुबह मैं बोला थैंक यू सर फिर रात को मैं फिर अब नहीं कर रहा हूं मैंने बोला क्या हो गया आपको क्या जैसे <laughs> ये चलता रहा यह है ये चलता रहा बट आई थिंक डैम लकी के ही इज ऑन बोर्ड एंड ही इज रियली मेड द फिल्म इन बिग वे वॉट इट इज राइट नाउ बट आई यू उन्होंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है

एक्सपेरिमेंट एंड बिकॉज ही एंगल मैंने सोचा छोड़ा नहीं कि अरेज नो चांस नो बॉज आई वॉज हेल्पेंट मतलब मेरे दिमाग में उनकी इमेज छप गई थी एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऋषि कपूर मेरी चॉइस नहीं थे वॉज माई वाइफ चॉइस

कि ट्रायल रिपोर्ट्स बहुत कमाल की होती है लेकिन फिल्म डजन्ट इवन ओपन टू अ रिस्पांस अट डी उल्टा भी होता है और उल्टा भी होता है डेफिनेटली। तो यस uh, yes, ट्रायल रिस्पांस इसे वेरी इनकरेजिंग बट आई कुड डेफिनेटली नॉट लिव विद इम कि अब हो गया कि मतलब ये सेटल ना कि फिल्म अब बड़ी हो गई बट डेफिनेटली एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस था पॉजिटिव कॉन्फिडेंस था बिकॉज माई प्रोड्यूसर वॉज वेरी हैप्पी विद प्रोडक्ट करन वॉज वेरी हैप्पी रितिक सॉइट ही वॉज वेरी हैप्पी संजय सर सो पार्ट ऑफ इट ही वॉज वेरी हैप्पी प्रियंका सॉ शी वॉज वेरी हैप्पी दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म मोर देन एनीथिंग एल्स सो दैट डेफिनेटली सम कॉन्फिडेंस एंड सम करेज इन मी टू बेसिकली हैंडल द रिलीज डे

एंड uh, शो शुरू होने के बाद हम लोग एज यूज स्टॉल स्टॉल में पीछे दरवाजे के पीछे खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे अब क्या होने वाला है बट आई थिंक पहला रिस्पॉन्स जब uh, कांचा की एंट्री को मिला आई रियलाइज ओके फाइन

स्लो डाउन बट वैसे भी फिल्म uh, 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 जो है, है है है, है। लोगों का ये ये कहना है कि बीच-बीच में होती है, and थोड़ी ज्यादा टेंशन, ज्यादा ज्यादा बहुत बहुत तो थोड़ा ज्यादा टेंशन जिसे कहते हैं लंबी है। आपको ये सुनने को मिला yes, मुझे सुनने को मिला, लेकिन uh, ये माइनॉरिटी कमेंट था मेरे लिए uh, जो मुझे मिला, But, uh, Beyond Point मैं फिल्म है एक्सैक्टली आज के जमाने में

And we drive towards giving it that justification. I Karen, think it's as simple as that. And I strongly believe in one thing that conviction is contagious. Uh, so if you are convinced and you've done it with all truthfulness and with a an honest heart, it'll work. Karan, thank you so much for being with us on this show. Thank you. Thank May you, you so have much. more success in the <laughs> days and years to come. Thank you so much, thank you so. thank you so much. तो दोस्तों ये थे करण मल्होत्रा जैसा इन्होंने कहा कि हर स्क्रिप्ट कहती है कि मेरी ये लंबाई होगी वैसे ही हर फिल्म भी कहती है कि मैं इतने देर तक सिनेमा घरों में चलूंगी और ये फिल्म चल रही है और चलती रहेगी द सिंगल स्क्रीन सिनेमाज ऐसे कलेक्शंस बहुत कम देखने को मिलते हैं मल्टीप्लेक्स में तो चल ही रही है बट सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में जो अग्निपथ झंडे गाड़ रही है दैट्स वेरी वेरी क्रेडिटेबल एंड यू होपिंग दैट द फिल्म टेक्स अ मच मच लॉन्गर रन